नालंदा से बड़ी खबर, सड़क हादसे में एक छात्रा की मौत का यह मामला। डीएसपी हिलसा कृष्ण मुरारी ने हादसे की जानकारी दी है। ऑटो में मनचलों ने खींचा था छात्रा का दुपट्टा, डीएसपी का यह कहना है, और इस दौरान ऑटो से गिरने पर छात्रा को चोटें आई थी। इलाज के बाद छात्रा की मौत हो गई। मामले में आवेदन के बाद कार्रवाई होगी, डीएसपी का यह कहना है। छात्रा की मौत के बाद ग्रामीणों ने चक्का जाम किया, ग्रामीण काफी ज्यादा आक्रोशित हो गए। ग्रामीण अधिकारियों पर, पुलिसकर्मियों पर भी भड़क उठे थे और मौके पर ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव किया। पथराव की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। पथराव के बाद पुलिस ने गोली चलाई और जैसे तैसे करके ग्रामीणों को शांत कराया। तो बता दें आपको कि नालंदा के हिंसा में 3 दिन पहले सड़क दुर्घटना के दौरान एक छात्रा घायल हुई थी। घायल छात्रा को इलाज के लिए अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां हालत को गंभीर देखते हुए छात्रा को पीएमसीएच रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान छात्रा की मौत हो गई। होगी चाहे मुआवजा के लेकर के हो या फिर अन्य चीजें को लेकर के हो, उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। अगर कुछ और हर तरह का अगर कुछ आरोप लगाते हैं तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। पहले आवेदन उनको मिलने देते हैं क्या आवेदन है, लेकिन फिलहाल जो जानकारी है यही है। बाकी तभी हम लोग ने इसलिए शांतिपूर्ण है, हम लोगों ने आया है, डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और उसके बाद जो आगे की कार्रवाई होगी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शिव कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिव, देखिए मनचलों की वजह से एक छात्रा की जान चली गई, उसके बाद ग्रामीण काफी ज्यादा आक्रोशित हो गए, इसके बाद वहां की अभी स्थिति क्या है फिलहाल? जी मैं आपको बता दूं कि ये सुबह की घटना थी, जब वहाँ पे आक्रोशित लोग जो थे छात्रा की मौत के बाद वहाँ पे सड़क जाम किया था, और उसके बाद जब पुलिस समझाने गई तो पुलिस पर पथराव किया और पुलिस के तरफ से जवाबी कार्रवाई में कहें तो फायरिंग की गई टीचर की तरफ भीड़ करने के लिए। अब जो बता दें कुल मिलाकर तो अब उसी समय से करीब 3 घंटे के बाद जो है तो वहाँ पे शांत हो गया पूरा माहौल। डीएसपी जो वहाँ पे आए और पदाधिकारी जो वहाँ पे कैंप किए, उसके बाद लोगों को समझा बुझाकर भीड़ हटाया गया। लेकिन ये सारे का सारा क्रम अगर बताया जाए तो ये जो है एग्जामिनेशन देने जा रही थी, 12वां परीक्षा का जो इंटरमीडिएट का चल रहा है उसको परीक्षा देने के क्रम में ये जा रही थी, और उसी वक्त जो है ऑटो से मनचले गए थे 3-4 की संख्या में, उससे इसका दुपट्टा खींचा और उससे ये अनबैलेंस हो गई बाइक से जाते वक्त और वो गिर पड़ी और सर में चोट लगा था, और उसके बाद इसको इलाज के लिए पहले तो जो वहाँ पे जो शिव ये देखिए शिव ये बेहद गंभीर मामला है कि एक लड़की को, एक छात्रा को सड़क पर उसके साथ छेड़छाड़ की जाती है और इसके बाद मनचले फरार हैं, उस पर कार्रवाई कब तक होगी, क्या इस मामले में आधिकारिक बयान आया है? जी मैं आपको बता दूं कि उसके लिए आवेदन लिया गया है, जो परिजन है उनके द्वारा आवेदन दिया गया है डीएसपी को, और वो बोले हैं कि जल्द से जल्द जो भी मनचले हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी, उनकी गिरफ्तारी की जाएगी और सख्त उस पर कार्रवाई की जाएगी। ये शर्मसार करने वाली घटना है, कोई भी युवती है, आज मैं बता दूं भीड़ भी आज आई थी तो कोई मुआवजा के लिए वहां पर खड़ा होकर नहीं, वहां जाना था कि कोई भी गांव पे या जो भी शहर पे यहाँ पे जाते हैं युवती पढ़ने के लिए, उसके साथ इस तरह का दुराचार ना हो आगे से, इसके लिए उन्होंने धरना दिया था और वहाँ पे सड़क जाम किया था। उनका सिर्फ मोटिव यही था कि जो एक छात्रा के साथ हो गया आगे चलकर या और किसी पर बच्ची के साथ ना हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन सतर्क रहे और जो भी जिसके साथ घटना हुई है और उसको पकड़ के जल्द से जल्द जेल के जेल में भेजे। जी शिव, कितने मनचले थे जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया? जी जैसा कि वहाँ पे जो प्रत्यक्षदर्शी से जाते वक्त पीछे से जो देखे और जिस तरह की घटना घटी थी तो बता रहे कि वो जो ऑटो था उसके 4 लड़के थे और चारों थी एडल्ट थे, बहुत ज्यादा उम्र के नहीं थे, लड़की भी 11वीं क्लास की थी, बहुत ज्यादा उम्र की नहीं थी, और वो अंजाम देने के बाद वहाँ पर जो है वो जैसे ही घिसे हुए और खींचने के बाद वो लड़की गिर जाती है सड़क पर, गिरने के बाद उसके सर पे चोट आता है और उसी से और बाद जब से एक गाड़ी आते रहती है उससे भी उसको चलकर जो बचा खुचा हुआ रहता है उसका एक तरह से कहे कि जान, वो भी एक तरह से समझिए कि उस वक्त आधा जान तो उसी वक्त रोते ही उसका निकल जाता है और इलाज के क्रम में समझिए कि उसकी जान चली जाती है कल रात में, जिसको लेकर आजा कोशिश। ठीक है शिव, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए।